अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबा सोहेब व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स का इंतज़ार करें होंगे। जी बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, तो मेरी बेटी की सालगिरह थी यानी कि बर्थडे थी, तो बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं। कुछ तबीयत की भी ख़राबियाँ चल रही थी और जी मसरूफियात बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सकी। एडिटिंग आपको पता है कुछ आसान काम नहीं है, तो फिर बहुत सारी एडिटिंग करनी थी और जी और ख़ास तौर पे अगर अपना फेस रिवील ना करना हो तो फिर एडिटिंग और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो जो लोग वीडियोस बनाते होंगे या फिर एडिट वगैरह करते होंगे तो उनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा पहचान होगी। तो यहाँ पे जी जैसे कि मैं आपको कम्युनिटी में पोस्ट लगा चुकी हूँ कि जल्द अज़ जल्द जी मैं अपनी बेटी की सेलिब्रेशंस यानी कि बर्थडे सेलिब्रेशंस की वीडियो अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे जी मैं सबीहा की दो कज़न्स हैं तो उनके लिए जी मैं रिटर्न गिफ्ट रेडी कर रही हूँ। तो मेरी नंद हैं, उनकी बेटियाँ हैं, उनके लिए जी मैंने रिटर्न गिफ्ट सबिया की तरफ से पैक कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ ज्वेलरी की चीज़ें हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, कुछ स्टडी के लिहाज से पेंसिल्स हैं और एक छोटा सा लिया है जिसे हम बहुत ज़्यादा बचपन में खेलते रहे हैं, वाइट बोर्ड सा जिसपे हम खुद ही लिख के और रेज आराम से कर सकते हैं। तो ये सबकी बहुत ही अच्छी इसके साथ जान पहचान होगी, तो हम भी इसके साथ बहुत ज़्यादा खेले हैं। तो फिर ये जो जी मेरे हस्बैंड ने उठाई, उन्होंने कहा ये तो ज़रूर लेनी है क्योंकि बच्चे इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो फिर ये उनकी दो बेटियाँ, एक जाती है स्कूल और एक अभी फ़िलहाल घर पे ही है, तो उसके लिए भी हमने थोड़ी बहुत चीज़ें लीं। उसमें जी ज्वेलरी थी और पेंसिल्स थी और कुछ खाने पीने का सामान था, क्रेयॉन्स थे क्योंकि अभी छोटी है तो कलर्स के साथ ज़्यादा खेलना पसंद है, बच्चों को ऐसी चीज़ों का शौक़ ज़्यादा होता है। तो फिर हमने कुछ ऐसी वैसी चीज़ें मतलब ऑलराउंडर के हिसाब से ना चीज़ें पैक की हैं ताकि सारा बच्चा एक ही बैग में ना सब कुछ इंजॉय करे, खाना पीना और ज्वेलरी और साथ में स्टडी के लिहाज से भी कुछ हो जाए। तो फिर यहाँ पे जी उनके लिए दो बैग रेडी किए हैं। तो ये जी सबिया के लिए हमने एक फ्लेक्स रेडी करवाई है, बहुत ही प्यारी बन के रेडी हुई है। तो माशाल्लाह से पूरी दीवार पे हमने इसको लगाया था, तो इसमें सबिया के पैदा होने से लेके अब तक की जितनी भी तस्वीर थी वो सारी हमने एक ही फ्लेक्स में लगा के तो उसमें पोस्ट कर दी। तो ज़्यादा देर तक मैं नहीं दिखा सकती, तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी रेडी होकर आई थी, तो सब लोग बहुत ही इंजॉय करें। तो यहाँ पे सबिया की जी मैंने दो दिन की मतलब के सेलिब्रेशंस डाली हैं। एक दिन जी अम्मी लोग आ गए थे तो उन्होंने सेलिब्रेट कर लिया, यानी कि जिस दिन उसकी बर्थडे थी उससे एक दिन पहले वो सबिया के लिए जी सरप्राइजिंगली आए और उसके लिए अच्छी सी गिफ्ट्स भी लेकर आए। तो अम्मी उसके लिए जी लेके आई थी गाड़ी और साथ में मेरी सिस्टर है वो इसके लिए लेके आई थी इयररिंग्स जो कि गोल्ड के थे, तो बहुत ही सरप्राइज हो गई ये सबिया भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो यहाँ पे जी फिर हमने थोड़ा सा खाना पीना किया था, कुछ साथ में हमने फीस्ट मंगवा ली थी वो खाई थी, केक काटा था, खाना पीना कुछ किया था। तो उसकी वीडियोस मैंने नहीं अपलोड की मतलब के बनाई ही नहीं। तो यहाँ पे ये इयररिंग्स की क्लोज़अप है, बहुत ही प्यारे और अच्छे ये मतलब के इयररिंग्स थे। तो इसकी जो डब्बी थी वो तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत मुझे लगी। तो यहाँ पर कुछ चुटकियाँ हैं यानी कि छोटे छोटे से बीड्स टाइप जो हैं क्लिप्स हैं, तो यहाँ पे ये मेरी सिस्टर ने भिजवाए हैं इस्लामाबाद वाली, उनकी माशाल्लाह से पांच बेटियाँ, तो उनको ऐसी चीज़ें लेने का और उनके बच्चों को लेने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। तो वो जब भी आती जाती हैं ना तो सबिया के लिए कुछ ना कुछ कभी कपड़े भिजवा देती हैं, कभी क्या भिजवा देती हैं, तो उन्होंने साथ में कपड़े भिजवाए थे। तो साथ में छोटे छोटे से क्लिप्स और साथ में छोटी छोटी सी ये पिंस भिजवाई थी, बहुत ही प्यारी लगी थी और माशाल्लाह से मैंने इसको इसके बर्थडे पे भी ये लगवाई थी तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पे जी सबिया ने गाड़ी चलाना थोड़ी बहुत सीख ली, पहले तो बहुत ही ज़्यादा डर रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे जी सबिया का ये ड्रेस है, तो यहाँ पे मैं इसकी ट्रांजिशन वीडियो बनाने की फुल टू कोशिश कर रही थी कि ये किसी ना किसी तरीके से बनवा ले। तो पहले मैंने फ़्रॉक अच्छे से बिछाई बेड पे और साथ में मैंने इसको ऊपर बिठाना चाहा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जिस दिन बच्चे की बर्थडे होती है वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा तंग वंग करता है, तो यहाँ पे इसने हमें बहुत ही मज़े का तंग किया हुआ था।
तो पहले तो बहुत ही ज़्यादा इसका फेस ख़राब सा हुआ था, रोना शोना ये वो, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको सेट वेट कर लिया। ये हमने इसकी बर्थडे दादी के घर पे की थी, सबिया की दादी की तरफ से उनको सरप्राइज़ था कि वो कह रही थी हमारी तरफ बर्थडे करें। तो यहाँ पे जी कुछ गिफ्ट्स थे जो उन्होंने उसको दिए, साथ में इजी चेयर थी और एक साइकिल था, साथ में जी जूते थे और जी साथ में उसकी जी एक सूट था। तो वो मैं आगे गिफ्ट्स भी ओपन करूँगी तो सबिया के साथ मिल के, तो माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट और ख़ूबसूरत सी मेरी बेटी लग रही थी। क्राउन और ड्रेसिंग सारी कुछ है जितनी भी है वो मैंने इसके लिए सिलेक्ट की थी, और फ्लेक्स भी हमने जो है मेरे हस्बैंड को मैंने ही कह के बनवाई थी, बहुत ही अच्छा सा काम रेडी हो गया था। तो फिर यहाँ पे जी हमारा डिनर स्टार्ट हो गया, बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हमने जी खाना खाया, तो उसमें जी सीख कबाब थे जो कि बहुत ही मज़े के थे, साथ में जी सालन में कढ़ाई गोश्त था और साथ में चिकन पुलाव था, साथ में जी कोल्ड ड्रिंक थी, कबाब थे, शामी कबाब थे, और फिर केक भी बहुत ही मज़े का था, लेयर्स वालों के केक था और रायता था, बहुत ही मज़े का ये खाना था सारा जी। और ये जी इजी चेयर है, हम घर आ गए थे, फिर ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो फिर हमने जी गिफ्ट्स ओपन किए, तो यहाँ पे सबिया को मैंने गोद में बिठा लिया था, फिर सबिया बड़ी खुश हो गए ना जी कि मैं ओपन करना चाहूँगी और ये सारे गिफ्ट्स देखना चाहती है। बहुत ही ज़्यादा इसने सरप्राइजिंगली ना अपना सरप्राइज़ वाला फेस बनाया हुआ था, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और अपनी बर्थडे पे खुद ही हैप्पी बर्थडे टू यू करती रही। तो माशाल्लाह से उसको टू यू भी कहना आ गया, हम लोग जो कह रहे थे हैप्पी बर्थडे टू यू, तो हमारे पीछे पीछे माशाल्लाह से टू यू उसने आराम से कहना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे जी ये सबिया की दादी उनके लिए लेके आए हैं शूज़, यानी कि सैंडल, क्योंकि अब आपको पता है कि सर्दियाँ अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी हुई हैं, तो माशाल्लाह से आगे ईद भी आने वाली है, तो फिर रमज़ान भी स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर इस हिसाब से हमने भी सैंडल ही सबिया को पहनाए थे इसकी बर्थडे पे, क्योंकि आगे फिर आपको पता है शूज़ वगैरह तो अब पहने नहीं जाएंगे, तो फिर बच्चा है, बच्चियाँ जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो अगले साल तक जो है उनका सारा साइज बढ़ जाता है, तो फिर माशाल्लाह से ही बड़ी हो जाएगी, तो इसके फिर ये दोबारा से शूज़ और कपड़े ऐसे दोबारा नहीं पहने जाएंगे, तो फिर उस हिसाब से ही शॉपिंग करनी चाहिए जो आगे आराम से बच्चा सुकून से पहन सके। तो ग्रोइंग एज में है, तो अब ये माशाल्लाह से बड़ी होती जाएगी तो फिर चीज़ें इसकी छोटी होती जाएंगी। तो यहाँ पर जी इसके लिए ये सूट है, ये भी इसकी दादी की तरफ से है, तो ये जो है सबिया की दादी इनके लिए मतलब एक किस्म का सूट ही पूरा ले आई, और साथ में जूते भी, वो कह रही थी कि इसको ईद पे पहना देना, तो रमज़ान फिर आ गया है, फिर रमज़ान के बाद तो ईद माशाल्लाह से आ ही जाएगी, तो फिर ये एक किस्म का जी हमारी सबिया का एक फुल टू सूट रेडी हो गया जो वो ईद पे पहनेगी। तो ये तो फिर पहले ही रिवील हो गया कि सबिया अब ईद पे क्या पहनेगी। तो यहाँ पे जी सबिया की साइकिल है जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, क्यूट सी थी, अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इसके लिए बड़ी है, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा छोटी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 साल या 3 साल की जब हो जाएगी तब इस पे आराम से ये चला सकेगी, क्योंकि इसको अभी साइकिल बिल्कुल नहीं चलाने आएगी। तो गाड़ी जो अम्मी लेके आई थी वो तो ये शायद फिर भी चला ले। आई होप सो कि मेरा व्लॉग आपको पसंद आएगा और आप इसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे, और आप लोग हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।